गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो मैंने 14 को बनाया एंड वो भी डाला एक दो दिन बाद मैंने, एंड क्योंकि थोड़े फंक्शन थे, दिवाली था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा घर वालों के साथ मस्ती कर रहा था मैं। सो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आज से मैं एक से एक वीडियो शूट करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब कर लेना। सो हिंट दे दूँ तो मेरा एक वीडियो ऐसा है कि जो मेरा घर है अभी वो कम से कम 70 ईयर्स ओल्ड घर है, तो उसके ऊपर वीडियो आने वाला है। एंड जो पहाड़ होते हैं मतलब मिट्टी के, उसको दोरा बोलते हैं, उस पर आने वाले। तो ऐसे करके बहुत मैं सोच के रखे आपके लिए दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब एक पूरा मेरा विलेज टूर मिल जाएगा आपको। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज की हम बात करते हैं, आज क्या करने वाला हूँ। सो लास्ट मैं आया था यहाँ पे 12, मतलब 11 की टिकट थी एंड 12 को मैं यहाँ पहुँचा मैं। तो 13 को मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो पहले मैंने देख लिया कि कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ वर्कआउट में। सो मैं सब बोल तो सब मैंने अरेंज कर दिया कि मुझे क्या क्या मारना है, कैसे मारना है। सो वही मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं यहाँ पे अपने घर में अभी बिना कोई डंबल रॉड के वर्कआउट कैसे कर रहा हूँ। सो लेट्स गो, आपको दिखा देता हूँ कैसे करने वाला हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। टेरेस है एंड ये मेरा रूम है, ठीक है। सो इस दीवार के पीछे एक और टेरेस है छोटा सा, वो उसके बाद अपने काम ही नहीं वहाँ पर। सो मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या क्या वर्कआउट करने वाला हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे मैं पुलअप मारने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ट्राइसेप मारने वाला हूँ एंड यहाँ पे टाइल्स पे अपने डायमंड पुशअप, नॉर्मल पुशअप, वाइट पुशअप सब मार सकते हैं। एंड वो जो देख रहे हो ये पत्थर का बंडल वहाँ पे, वो पत्थर में सब बंडल में मैंने दो तीन पत्थर, मतलब वहाँ पे सारे पत्थर भारी है बट मुझे जो वेट भारी लग रहा था उनमें से मैंने दो पत्थर निकाल लिए एंड मैंने यहाँ पे रख दिए ये दो पत्थर। सो ये दो पत्थर से अपने बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर एंड सारी एक्सरसाइज मार सकते हैं ये दो पत्थर से। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि ये जो देख रहे हो ये, इससे थोड़ा पकड़ने में चुपता है ये, बाकी तो कोई नहीं, मैं ग्लव्स लाया नहीं तो हो जाता, इतना मेरे को फील नहीं होता है। सो ये है एक एंड नाउ लेट मी शो यू रॉड। सो रॉड, सो इन डंडों में से एक ये डंडा जो है ऐसे ही पड़ा है। सो ये डंडा मैं काम के लेने वाला हूँ, ये कुछ अराउंड 5 kg होगा, तो इसे स्क्वाट, बाइसेप, ट्राइसेप में मार सकता हूँ। सो इसकी लेंथ वहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। सो लेट कम और दिखाता हूँ। वर्कआउट करते समय हमको थोड़ा काज भी चाहिए होगा। सो ये रहा हमारा काज और यहाँ हमारी स्टैंडिंग पोजिशन एंड यहाँ हम सब देख मार सकते हैं अपने कुछ भी। सो एक और चीज़ है, रुको, ये है वो चीज़। सो यहाँ सूरत में मैंने बाइक किया था, आपने देखा होगा मेरी अनबॉक्सिंग, तो वो मुझे लगा यहाँ पे इतना कुछ होगा नहीं। सो मैं ये बैंड लेके आ गया था। सो ये बैंड से भी थोड़ा चेस्ट हो जाता है, बाइसेप हो जाता है, बैक हो जाती है एंड सब हो जाता है। सो देखो इसका यूज़ आएगा तो मैं आपको यूज़ करके भी बताऊँगा फ़िलहाल। एंड यस, म्यूज़िक के बिना तो वर्कआउट होगा नहीं, तो ये स्पीकर भी है, इसमें इतनी साउंड है, इतना बेस है कि मेरा वर्कआउट एकदम बोलते ना एनर्जी से हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगी। So that's it, ये पूरा था इस, मैं मारने वाला हूँ। So let's go. Heads in the clouds, talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to hit south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?
हम एक्सरसाइज यहाँ पे मतलब गाने सुन के डंडे के साथ मस्ती करके एंड यहाँ पे घूम घुमा के मस्त ठंडी है अभी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 21 रहता है सो मस्त यहाँ पे मज़ा आती है धूप में वर्कआउट करने में एंड बस अच्छा खासा पंप भी आ जाता है ठीक है। और मैं ये बोल रहा था कहाँ पर भी जाओ मतलब कहीं घूमने या कहीं रहने या कोई भी काम हो निकाल लिया करो तैसे तैसे अपना टाइम थोड़ा सा आधा एक घंटा या मैक्स टू मैक्स 30 से 45 मिनट बहुत होते हैं सो बस ये सब ना हो तो भी कुछ भी चुग लिया करो चुगने के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दिया करो वो भी ना मिले तो बस पुशअप है पुलअप है और ट्राइसेप के लिए तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी तो ये 3-4 कर ले उसमें अपने को शांति मिल जाएगी अगर आपको पसंद है तो। और ये वीडियो उनके लिए था जो वर्कआउट करना पसंद करते हो वर्कआउट के लिए डाई हार्ट फ्रेंड बोलते हैं वो है सो और भी एक्सरसाइज थी पुशअप मारना चेस्ट के लिए और डाउन फ्लोरेंस जो मैं मारता हूँ पर मैं सोचा इतनी इस क्लिप दिखाओगे आपको बोर हो जाओगे इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको चाहिए तो कमेंट इट डाउन बिलो एंड बस पंप दिखा दिया आपको अभी मैं ये केले हैं मेरे यहाँ पे केले खाऊंगा दूध पीऊंगा एंड एडिट करूंगा वीडियो बस। और हाँ इसके एडिट के बाद मैं नेक्स्ट जगह जा रहा हूँ लोकेशन पर वहाँ पर शूट करूँगा मैं तब तक आप ये वीडियो देखो तब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊँगा और बस और कुछ बोलना है याद नहीं आ रहा बाद में बात कर लेंगे बहुत बोल लिया मैंने सो दैट्स इट गाइस बाय बाय टेक केयर डू वर्कआउट स्टे स्ट्रांग एंड बेस्ट बाय बाय। अरे हाँ अच्छा लगा तो लाइक कर देना नहीं तो डिसलाइक तो है ही आपके लिए और कमेंट कर देना आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि मैं पूरा अच्छे से बनाऊँ एंड वैसे अपने कहीं ट्रिप पे जाए कहीं जाते हैं तो ऐसे जल्दी से बॉडी डाउन नहीं होती कम से कम 10 दिन लगते बॉडी को थोड़ा डाउन होने में तो 10 दिन मुझे हुए नहीं अभी तक अच्छा सा पंप है पंप मेंटेन किया है मैंने सो आप भी करिए दैट्स इट बाय बाय लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना कमेंट कर देना आपको करना हो तो।